हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संजीव कपूर खजाना। मैं हूं सौरभ। जनरली ये माना जाता है कि रेसिपीज़ जो डिफ़िकल्ट हो, जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हों, वही अल्टीमेटली टेस्टी बनती है और उसी का स्वाद सबसे ज़्यादा आता है। पर अब ये जो माइंडसेट है ये चेंज हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें सिंपल होती जा रही हैं, सिंपल होने के बावजूद पसंद की जा रही हैं। तो चलिए ऐसा कुछ बनाते हैं जिसके इंग्रेडिएंट्स भी सिंपल हैं, इसकी रेसिपी भी सिंपल है, लेकिन ये टेस्टी बहुत ज़्यादा है और बहुत पसंद भी की जाती है। चलिए कुछ नारियल से बनाते हैं। लेकिन नारियल के अलावा क्या क्या लगने वाला है, सबसे पहले देख लेते हैं इसे। स्क्रेप्ड कोकोनट, फ्रेश क्रीम, चीनी, हरी इलायची का पाउडर, घी। तो ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स नारियल के अलावा जो लगने वाले हैं। आइए चलिए शुरुआत करते हैं बनाना। सबसे पहले मैंने यहाँ पर नारियल को स्क्रेप करके रख लिया है। तो मैंने ये ध्यान रखा है कि नारियल का जो ब्राउन वाला हिस्सा है वो स्क्रेप करते हुए इसमें ना आए, और ज़्यादातर जो वाइट पार्ट है वही इसमें आए। तो चलिए इसे एक पैन में डालते हैं। इसके साथ साथ इसमें थोड़ा सा फ्रेश क्रीम और चीनी, इन सब चीज़ों को अब मिक्स कर लेते हैं, और मीडियम हीट पर इन सब चीज़ों को हमें पकाना है जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। चलिए जैसा कि आप देख सकते हैं इसका जो रंग है हल्का हल्का गोल्डन होने लगा है, गोल्डन ब्राउन होने लगा है। अब हम इसमें घी डालेंगे और थोड़ा सा घी बचा लेंगे और उसे बाद में इस्तेमाल करेंगे। बहुत थोड़ा सा घी बचाना है। इसके साथ साथ इसमें हम डालेंगे इलायची पाउडर और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिला लेंगे। बस इसमें घी डाल के मिक्स करने के बाद जो ज़रा सा बचा हुआ घी है इसे हम ट्रे पे फैला लेंगे और इस ट्रे को अच्छे तरीके से ग्रीस कर लेंगे। अब इस ट्रे में मैंने अच्छे तरीके से घी लगा लिया है, और इसी ट्रे में ये जो तैयार मिक्सचर है इसे हम डाल के और इसे ठंडा होने के लिए रखेंगे ताकि ये अच्छे तरीके से सेट हो जाए। चलिए ये जो सारी चीज़ें हैं अच्छी तरीके से मिक्स हो चुकी हैं और इसका रंग भी अच्छा गोल्डन ब्राउन हो गया है। गैस हम बंद कर देते हैं और ये जो तैयार मिक्सचर है इसे इस ट्रे में निकाल लेते हैं जिसको हमने पहले से ग्रीस करके रखा हुआ है। सारे मिक्सचर को ट्रे में हम इवनली स्प्रेड कर देते हैं इस तरह से। चलिए अब ये मिक्सचर ट्रे में इवनली स्प्रेड हो चुका है। अब हमें इसे ठंडा होने के लिए रखना है और इसे अच्छे से सेट होने के लिए रखना है। लेकिन जब ये थोड़ा ठंडा होता है, और बिल्कुल ठंडा नहीं लेकिन थोड़ा गर्म रहता है, उस समय इसे काट के रख देंगे पीसेस में, चाहे आप डायमंड काटें या स्क्वायर पीसेस काटें, लेकिन इसे काट के रखेंगे ताकि जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए इसके जो पीसेस हैं वो इवनली बाहर निकले। Subscribe to our channel on YouTube if you like our videos. Stay connected. Happy cooking.